बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश। सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बांग्लादेश पीएम हसीना ने छोड़ा। पीएम हसीना ने सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगा भवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश के इतिहास में भयानक दिन, बांग्लादेश बना भीषण युद्ध का मैदान, छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र, 3 सप्ताह में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, द डेली स्टार की रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। उग्र होते प्रदर्शन के बीच राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू किया गया, साथ ही इंटरनेट निलंबित भी किया गया। बांग्लादेश के सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीते दिन रविवार को भड़की हिंसा में कम से कम 93 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, साथ ही सैकड़ों लोग घायल हैं। बांग्लादेश किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केवल 3 सप्ताह में मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, साथ ही स्टन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सरकार ने रविवार को शाम 6 बजे अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। हिंसा भड़कने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, जो लोग विरोध के नाम पर तोड़फोड़ और विध्वंस कर रहे हैं वे अब छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिसके बाद सरकार ने सोमवार से बुधवार तक छुट्टी की घोषणा की, अदालतें अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई। रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, जबकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर भी फेसबुक और व्हाट्सएप सहित मैसेजिंग ऐप उपलब्ध नहीं थे। इस दौरान बांग्लादेश मीडिया से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के बढ़ते आक्रोश के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को दोपहर करीब 2:30 पर एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगा भवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सुरक्षित स्थान के लिए बांग्लादेश छोड़कर रवाना हो गई।